छोटा सा YouTube चैनल फेक ब्लॉगर विजय। तो आज हम जा रहे हैं सबसे प्राचीन शहरों में से एक जो है वाराणसी। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो काशी विश्वनाथ जी की जय। तो इस बार हम लोग अपने साथ लेके चल रहे हैं मेरी मॉम को, और ये पूजा और मॉम का फर्स्ट विजिट है वाराणसी का। मैं लगभग एक साल वाराणसी में रह चुका हूँ, बट अब इतने साल बाद मुझे भी काफ़ी चीज़ें न्यू देखने को मिलेंगी यहाँ पर। जर्नी हमने शुरू की प्रयागराज से, जो कि मेरा होम टाउन है, एंड यहाँ से वाराणसी की जर्नी टोटल लगभग 140 किलोमीटर की है, जिसको अच्छी रोड्स की वजह से 2.5 घंटे में आराम से पूरा किया जा सकता है। इलाहाबाद से करीब 50 मिनट दूर हंडिया तक रोड्स नॉर्मल से ही हैं, बट उससे आगे पूरी वाराणसी तक रोड ऐसी मक्खन से ही मिलेंगी। पूरे रास्ते में इकलौता टोल ये रहा। गर्मी का मौसम है और वाराणसी की गर्मी तो थोड़ी अलग ही लेवल पे होती है, तो हम लोगों ने सुबह जल्दी करीब 6 बजे अपना ट्रिप स्टार्ट किया। आप अगर गर्मी में जाते हैं तो कोशिश करिएगा कि उससे भी पहले लगभग 3-4 बजे ही अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दें। फाइनली हम लोग सारनाथ पहुंच गए डायरेक्ट, जो कि वाराणसी में जहां हमारा होटल है वहां से बस 15-20 मिनट की दूरी पर है। डायरेक्ट होटल इसलिए नहीं गए क्योंकि जैसा आपको बताया था ना कि सुबह जल्दी जितना घूम लो उतना अच्छा है। अब बताओ कहां आए हो आप? ये हम बनारस काशी नगरी आए हैं और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए हैं। ये अभी सारनाथ में घूम रहे हैं। ये अंदर में दो प्रतिमा देख रहे सर, एक मैत्री बुद्ध है, गौतम बुद्ध जी हैं। गौतम बुद्ध जी जन्म ले चुके हैं, मैत्री बुद्ध दूसरा होता लेंगे आने वाला। कल्पना कब आएंगे पिक्चर में किसी को मालूम नहीं कब आएंगे। ये सारनाथ का मेन टेम्पल है दीदी, मेन टेम्पल का नाम है मूलगंड कुटी बिहार। ये बनाने वाला श्रीलंका का रहने वाले तनागरी धर्मपाल, ये 70,000 रुपये पहले के बना कर तैयार किए थे। अंदर में जो स्टेचू देखेंगे गोल्ड कलर का, गोल्ड का नहीं है वो, जयपुर का मार्बल, उसके ऊपर गोल्ड पॉलिश लगाए हैं। सारनाथ का अपना एक इतिहास है और ये जगह वो पहली जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये बौद्ध धर्म के 4 प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, जिसमें बाकी के 3 स्थान हैं लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर। और ये लगातार तीसरा ट्रिप जहां ड्रोन उड़ाने के लिए मौका या परमिशन नहीं मिली। फिर हम निकल गए मंदिर के बैक साइड में ही, जहां फ्लावर गार्डन और डियर पार्क थे। डियर पार्क में बहुत ज्यादा तो नहीं, बट कुछ बर्ड्स देखने को मिल जाती हैं और मगरमच्छ भी हैं, और हिरन तो ऑब्वियसली हैं ही यहां पर। मैंने पेड़ से सैतूत तोड़े हैं, एकदम मस्त मस्त मीठे मीठे। इतने सारे बर्ड्स इस बांस के पेड़ में रह रहे हैं, क्यों 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 वाली आवाज आ रही है। अब हम आपको जल्दी से सारनाथ के वो बाकी स्पॉट्स दिखाते हैं जो हमने विजिट किए। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है
तो ये जगह आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ हर मॉन्यूमेंट और स्ट्रक्चर की अपनी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये धमेक स्तूपा है जिसका प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूपा हुआ करता था। कोई हालत खराब लग तो रहा है चेहरा देख के? हम यहाँ आए हैं ग्रामीण बुनकर शॉप पे। यहाँ पर जितने भी ग्रामीण लोग हैं वो यहाँ पर बनारस में साड़ियाँ बुनते हैं। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया और खूब सारा पानी पिया और थोड़ी शॉपिंग करके निकल गए अपने होटल की तरफ, जो हमने बुक किया था वाराणसी के कंटोनमेंट एरिया में। जब मॉम साथ में हो तो आराम और लग्जरी दोनों बहुत ज़रूरी है। तो जो होटल हमने बुक किया था वो था 5-स्टार होटल द क्लार्क्स। क्लार्क्स के बगल में ही था जेएचबी मॉल, जहाँ खाने के तमाम ऑप्शन थे, जिससे हमें क्लार्क्स के 5-स्टार और कॉस्टली फूड के भरोसे बैठना नहीं पड़ता। फिर हम लोग थोड़ा आराम करके निकल गए काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। वेलकम टू यूपी। वेलकम टू बनारस। वेलकम टू यूपी, क्योंकि ये यूपी में ही ऐसा जुगाड़ होता है भाई। और हम बनारस की गलियों में एंटर कर चुके हैं। काशी विश्वनाथ दर्शन की यात्रा शुरू हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वाराणसी में अपनी कार ड्राइव करके घूमना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो अगर आप सेल्फ कार से आ रहे हैं तो याद से ऐसा होटल बुक करिएगा जिसकी प्रॉपर पार्किंग स्पॉट हो। हम लोग अब गदौलिया चौराहा जो है वहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ हम जा रहे हैं ये काशी विश्वनाथ मंदिर का रास्ता है। जब हम लोग होटल से निकले तो जो ऑटो मिला उसने 100 रुपये मुझसे लिया, क्योंकि वो होटल के सामने लगा हुआ था इसलिए शायद थोड़ा ज़्यादा पैसा लिया। तो वो ये कह रहा था देख के कि वो लहूरा बीर नाम की एक जगह है, मतलब ये गदौलिया चौराहे से 3 किलोमीटर पहले, वहाँ तक ही ऑटो आते हैं। वहाँ से हमें दूसरा रिक्शा करना पड़ा जिसने 60 रुपये लिए, तीनों लोगों को बैठा लिया। एक दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि केदार घाट नाम की जो जगह है वहाँ पर ये ऑटो वाले 150 रुपये में क्लास से छोड़ रहे थे। तो वहाँ पर होता है केदार घाट से लोग नाव करके, पूरा पैकेज ही रहता है पर हेड के हिसाब से 1,000-1,500-2,000 जो भी महंगा होता है वो, तो उसमें आपको नाव से ही घाट वगैरह सारा घुमाएगा और काशी विश्वनाथ के दर्शन करा के शाम की आरती आपको दिखा के फिर वापस केदार घाट छोड़ेगा। तो हमें वैसा नहीं चाहिए था, हमें तो यहाँ की गलियाँ घूमनी थी, खाना पीना था, यहाँ पर तमाम जगह हैं खाने पीने की। तो इस वजह से हम लोगों ने उसको बोला कि ठीक है लहूरा बीर उतार दो, वहाँ से हम कर लेंगे मैनेज। तो हमें रिक्शा मिल गया, अब यहाँ से तो पैदल ही जाना होता है, थोड़ा दूर और चलना पड़ेगा। मंदिर के अंदर कोई मोबाइल या बैग अलाउड नहीं होता है, बट बाहर ही आपको लॉकर्स फैसिलिटी तमाम मिल जाती हैं। बट मैं ड्रोन और कैमरा वगैरह सब लेके गया था तो मैं सामान रखने का रिस्क नहीं ले सकता था, और वैसे भी मैं 2 बार ऑलरेडी दर्शन कर चुका हूँ। तो मॉम एंड पूजा अंदर गए और मैं बाहर ही बैठकर लोगों को देख के टाइम पास करता रहा। दर्शन से वापस आने में करीब 3-4 घंटे लग गए और हमारी गंगा आरती मिस हो गई, जो कि अब हम कल शाम देखेंगे। फिर हम लोग चले गए यहाँ के फेमस पार्टी चौका रेस्टोरेंट में, जिसका पहले नाम अंगूरी रेस्टोरेंट हुआ करता था। यूपी का ये देसी ड्रिंक है, नमक जीरा के साथ, काला नमक और जीरा के साथ, एकदम ठंडा डाइजेस्टिव होता है। सुन के काफी अच्छा लग रहा, चलो मैं भी पी लेता हूँ। फिर हम लोग देर रात अपने होटल में पहुँचे। गुड मॉर्निंग, तो हम जा रहे हैं 80 घाट गंगा स्नान करने और सुबह ही
सुबह बनारस देखने, क्योंकि हमारा होटल सिर्फ कल रात तक का ही था, बट हमें आज शाम की आरती देखनी थी। तो अच्छी पार्किंग वाले होटल का फायदा ये रहा कि हम अपनी कार यहीं पर पार्क रखेंगे और आरती देखने के बाद रात में कार उठाकर घर निकल लेंगे। फिर हम लोग बोट करके निकल गए यहाँ के सारे घाट्स को देखने के लिए। ये जो आप देख रहे हो वो नदी का दूसरा किनारा है जिसको मिनी गोवा यहाँ के लोग बोलते हैं, और वहाँ तरह तरह की एक्टिविटीज भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर कुछ मॉडल्स का फोटोशूट चल रहा था तो मैंने भी फ्री मून मॉडल्स को कैप्चर कर लिया। इस तरह के फोटोशूट्स एंड मूवी की शूटिंग वाराणसी के लिए आम बात है। फिर आता है यहाँ का वो घाट जिसका नाम है मणिकर्णिका। यहाँ पर हमारी लाइफ का सर्कल पूरा होता है, और ये वही घाट है जहाँ आपने मसान मूवी में विकी कौशल को देखा होगा। अब हम लोग चले गंगा में डुबकी लगाने के लिए। यह है पिजेरिया वाटिका कैफे जो कि 80 घाट पे ही है, और ये इंडिया का पहला पिजेरिया माना जाता है। पिजेरिया मतलब वो रेस्टोरेंट्स जो पिज्जा बना के बेचते हैं। को ठंडा करने के लिए पहले पी ठंडाई, और फिर यहाँ की पतली सी गली में फेमस सा कैफे है नियति कैफे, वहाँ आराम से बैठ के लंच किया। और फिर हम निकल गए दशाश्वमेध घाट की ओर, जो इस कैफे से 1 मिनट की वॉक पे था। क्योंकि आज हम टाइम से काफी पहले आ गए थे तो वहीं बैठने की ठीक सी जगह ढूंढ ली जहां से आरती भी क्लियरली देखी जा सके, और वहां भी हम लोगों ने लोगों को देख के अपना टाइम स्पेंड किया।
फॉरेनर्स यहाँ पर बहुत इजीली स्पॉट किए जा सकते हैं, जैसे कि ये, और इनको देखकर यहाँ के लोग खुशी और एक्साइटमेंट से फूले नहीं समाते, जैसा कि इन भाई साहब को देखिए। गजब बेइज्जती है। यहाँ पर हमें काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर की लाइव टेलीकास्ट भी देखने को मिल जाती है। धीरे धीरे शाम होती है और बोट्स पर भी लोग सेट होने शुरू हो जाते हैं आरती देखने के लिए, और स्क्रीन पर यहाँ की आरती का लाइव टेलीकास्ट आना शुरू होता है, जो आपको लोगों के हाथ हिलाने को देखकर अपने आप पता चल जाएगा। शाम बढ़ने के साथ साथ भीड़ भी कई गुना बढ़ चुकी थी। वाराणसी में एक न्यू एक्टिविटी ऐड हुई है, यह रिवर क्रूज, अलकनंदा क्रूज। इसकी बुकिंग करने के लिए आपको कई हफ्तों पहले से यह बुक करना पड़ता है, क्योंकि सीट्स नहीं बचती हैं। अब शुरू होता है हमारी ट्रिप का क्लाइमैक्स और वाराणसी का मेन इवेंट। तो बस इतना था हमारी तरफ से आपके लिए वाराणसी से। वीडियो अच्छा लगा तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना।